आकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सर आप अनुज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम अपने मंच पर माननीयों के साथ तो बात कर ही रहे हैं जिन्हें हम वोट दे करके चुनते हैं 5 साल के लिए, उनसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुले मंच से जब संवाद होता है तो एक मन की बात दूसरे मन तक पहुंचती है। आप समझ पाते हैं कि दूसरा इंसान उसकी गलतियां कहाँ हैं, उसकी परेशानियाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसकी मजबूरियाँ और आप क्या कहना चाहते हैं। आइए अपने मंच पर मैं शुरुआत करती हूँ। मैं चाहूँगी अनुज जी प्लीज़ आप इधर आ जाइए। तो सबसे पहले एक बार फिर से परिचय करा दूं, आकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर भवानी प्रोडक्ट्स के, सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं फूड पे से, बहुत स्वागत आपका। सर प्लीज माइक ले लीजिए। शुरुआत मैं आपके साथ करती हूँ आकाश गुप्ता जी, आप जिन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं प्लीज बताइए कि किस तरह से उन प्रोडक्ट्स के जरिए आप जनता तक पहुँच पाते हैं। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, मैं आकाश गुप्ता हूँ। हम लोग की फर्म प्रखर मसाले स्पाइसेस और सोया चंक से डील करती है, उनको प्रोसेस करके पैकेजिंग में निकाल के मार्केट में लॉन्च करते हैं। जैसे अन्य स्पाइसेस आइटम्स आते हैं उसी तरह से अपना भी प्रखर मसाले के नाम से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी गुणवत्ता और शुद्धता और क्वालिटी को लेकर हम लोग मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं, नए नए तरीके से रिसर्च करके क्या मार्केट में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसको जानते हैं। और स्पाइस सेगमेंट तो मैम आपको मैं बताऊँ, इंडिया का स्पाइस पूरे वर्ल्ड में ऑल पॉपुलर है, मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, और इंडियन स्पाइसेस की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा है, हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको, और इंडियन स्पाइसेस को बहुत अच्छे से लोग मांगते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसी स्पाइस सेगमेंट से रिलेटेड मैं अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में देता हूँ, सप्लाई करता हूँ। आपसे भी पूछना चाहूँगी मैं, फूड पे क्या चीज़ है ये, क्या कॉन्सेप्ट है फूड पे का? फूड पे एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस है, एक सेवा जिसमें कस्टमर्स हमारे यूजर्स घर बैठे अपने नज़दीकी रेस्टोरेंट से, अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से अपना मनचाहा फूड ऑर्डर करके वेज नॉन वेज फूड और घर की ग्रोसरीज भी मात्र 30 मिनट में मंगा सकता है। तो फूड पे एक डिलीवरी सर्विस है। प्लीज मैं आपसे माफी चाहती हूँ, हमारे साथ मंच पर रोहतास प्रजापति जी भी, मैं चाहती हूँ वो ज्वाइन करें, फिर उसके बाद हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सर, प्लीज आप स्टेज पर आइए। प्रजापति समाज के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और प्रजापति समाज के लिए कैसे उन्होंने काम किया जिसको लेकर भी ऐश्वर्या हमारी सहयोगी जो है इनसे तमाम सवालों को आज पूछने वाली है। थैंक यू सो मच शिवांगी सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। फूड पे के बारे में बोले थे सर, आपके पास मैं आऊंगी। प्रजापति समाज आमतौर पे तो समाज के सभी वर्गों से जुड़े रहना बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है, लेकिन किस तरह आप समाज से जुड़े रहते हैं, किस तरह समाज के बीच पहुंचते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। हमारा संगठन है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, उसके माध्यम से समाज में कोई भी उत्पीड़न महिलाओं या पुरुषों उसमें जाने का, उसको सुलझाने का हमारा संगठन काम करता है। और सर्व समाज में भी हम जिस तरीके की भी सेवा हो, जैसे कोरोना महामारी आई थी उसमें हम लोगों ने खाने की दवाइयों की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की, और जो दान सरकार को हम लोग दे सकते थे वो दान भी हमने कोष में दिया। बिल्कुल, यानी कि समाज के बीच पहुंचे आप, समाज के साथ बातचीत की। ठीक है सर, एक बार फिर आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। कोरोना काल की सर ने बात की, कोरोना काल में जनता के बीच पहुंचना, जनता तक वो छोटी छोटी चीज़ों को पहुंचाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उस वक्त आपने कैसी मुश्किलें झेली? कोरोना टाइम में सभी व्यवसायों को जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रोक दिया गया था, बट हमारे माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोरोना टाइम में हम लोगों जैसे उद्योगपतियों को अलाउ करके जो फूडिंग आइटम्स होते हैं उसकी सप्लाई बरकरार रखी। तो हम लोगों ने भी उसी मुहिम में उनका एक साथ देकर लोगों की सहायता करके अपने मसालों की लगातार निरंतर सप्लाई कराई। योगी जी के द्वारा जो किटें सप्लाई करी गई थी, जो प्रवासी बाहर से आए थे उनको लगातार मसाले आटा दाल ये सब प्रोवाइड करा के उनकी हेल्प करी गई थी। तो उस समय हम लोगों ने भी दिन रात अपने व्यवसाय को चला के पूरी सरकार के साथ लग कर उस ज़रूरत को पूरा करके एक अहम रोल प्ले किया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जुड़े रहें समाज से, हम समाज के तमाम तबकों की जो परेशानियां हैं उसको समझते रहें। फूड पे भी हम इस अलग से कॉन्सेप्ट पे बातचीत कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया की अगर बात करें तो यह कॉन्सेप्ट मार्केट में
पहले से है, बहुत सी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया, हमने खुद को नया किया। मीन्स फूड पे की शुरुआत एक सपने के साथ की गई कि अपने देश में इतना रोजगार पैदा कर दिया जाए कि किसी को अपना देश छोड़ के बाहर ना जाना हो, रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में। फूड पे उन्हें इतना रोजगार दे कि वह स्वदेश में रहकर खुद को स्वावलंबी बना सकें, स्वरोजगार कर सकें या हमारी टीम को ज्वाइन कर सकें। सर एक बार मैं आपके पास आऊंगी, हमने आपसे समझा जिस तरह से समाज के बीच आप जाते हैं, सेवा करते हैं, 5 साल में एक बार चुनाव भी आते हैं, जब आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और आपकी साल भर की जो समस्याएं हैं, आप किस तरह से चुनते हैं कि उन समस्याओं को वो प्रतिनिधि सुलझाएगा, उनके बारे में समझेगा तो हम उनको वोट देंगे? समाज के प्रति, जनता के प्रति, क्योंकि विधायक का जो चुनाव होता है या निकाय चुनाव का जो होता है वो लोकल का आदमी होता है, उसके बारे में जानकारी होती है कि ये आदमी जनता की सेवा करेगा या सिर्फ पद लेने के लिए आया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसका एक एक पदाधिकारी, एक एक सांसद, एक एक विधायक बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, वो उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। समाज के छोटे से छोटे तबके को साथ लेकर के ये पार्टी लेके चलती है। और जो पार्टी का निर्णय है, जिसको भी वो टिकट दे, प्रयास तो हम लोग भी करते हैं कि भाई हमारे समाज को भी इसमें टिकट दिए जाए, हमारे समाज की भी बढ़ चढ़ करके आगे आए। जैसे हमारे आज मंत्री जी संजय निषाद जी बैठे, ये पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, तो हम लोगों का भी ध्यान रखते हैं ये, तो यही सब है इस चीज़। बिल्कुल सर, आपके पास पे आऊँगी। हमने जिस तरह से जाना समझा प्रोडक्ट्स के बारे में आपके, सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं आप, या फिर जब आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हमें किस तरह का सहयोग मिलेगा? सरकार से तो वैसे पूरा पूर्ण रूप से सहयोग मिलता ही रहता है निरंतर रूप से, बट कुछ जगह अगर सपोर्ट मिल जाए, जैसे टैक्सेशन पे या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं या कुछ न्यू यूनिट पर जो लाइसेंसेस होते हैं उनके जो प्रोसेस को है, सिस्टम को अगर कुछ तरह से हार्ड ना करके और थोड़ा वोलेटाइल ना करके थोड़ा एक सॉफ्ट कर दिया जाए तो वो बेहतर होगा, हम लोग ये चाहते हैं। सर आपका जवाब, फूड पे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, आइडिया कैसे आया, उसके हमने एस्टैब्लिशमेंट कैसे किया, अब फर्दर ग्रोथ आप किस तरह देख रहे हैं और किस तरह आप ये सोच रहे हैं कि और जो जनता है, आम जनता है जिसके पास इतने आइडियाज नहीं आ सकते, उसे कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? हमारे आइडियाज के साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़कर स्वरोजगार करने के लिए हमारे फ्रेंचाइजीज ले लो या खुद सोचो, खुद करो। जैसे अगर हमने सोचा फूड पे, तो आप भी कुछ सोच लो, आप भी कुछ नई शुरुआत करो। अब अगर आइडियाज की बात करें तो आइडियाज हमारे सोचने से ही पैदा होता है कि हम सोचेंगे तो ही कर पाएंगे, और सिर्फ सोचते रहने से नहीं, उसे करना होगा। और रही फूड पे ग्रोथ की बात, तो पूरा भारत है, पूरे भारत में फूड पे जल्द से जल्द होगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक लंबा वक्त आपने जनता के बीच गुजारा है, जनता के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार जनता की जो परेशानियां हैं उनको समझा है, कितना आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले और 20 साल के बाद अब खासतौर से इस सरकार और पिछली सरकार के कार्यकाल में बदलाव देखने को मिला है? बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन है। सबसे पहले तो गुंडागर्दी पर अंकुश इतना जबरदस्त लगा है कि आज कोई भी छोटा बड़ा व्यापारी दिल खोल के स्कूटर पे, कार में कहीं भी जा सकता आ सकता है। उसको वो डर दहशत खत्म हो गई कि शाम के 6 बजने के बाद में ये लगता था कि मैं गांव कैसे जाऊंगा, रास्ते में मेरी कोई मोटरसाइकिल लूट लेगा, साइकिल लूट लेगा। इस तरह की घटनाओं पे बहुत ज़बरदस्त अंकुश लगा है, क्योंकि माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जितने गुंडे हैं जो जनता को परेशान करते थे उनका इलाज उन्होंने बहुत सही तरीके से बांधा। लेकिन मैं, आप लोगों ने मुझे 2 मिनट दिए हैं, मैं एक जरूर सरकार को एक सुझाव दूंगा कि ये 17 जातियों के मामले हमारे चल रहे हैं, अगर एक मामला अगर वे लोग ध्यान दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ जी बने थे, उन्होंने वर्गीकरण पिछड़े और अति पिछड़ों पर ध्यान दे करके जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का जो उन्होंने संशोधन किया था,
उस तरीके से अगर सरकार इसमें ध्यान दे ले तो मैं समझता हूँ सब समाज का बहुत बड़ा भला होगा और पार्टी का बहुत ही ज्यादा इसमें जो है फायदा होगा। बिल्कुल, भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपकी तालियां भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंजूसी के साथ नहीं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ आकाश जी भी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बात अब इस चीज़ पे आती है कि हर इंसान जिसको अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोलना होता है या खुद का स्वरोजगार डेवलप करना होता है, उसे बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, कह सकते हैं अलग अलग ऑफिस में दर दर भटकना पड़ता है। कितना लगता है चेंजेस आया है उसमें आपको? मैम, सबसे बड़ा चेंजेस तो GST के आने बाद से हो गया है। पहले क्या था, लोग टैक्स का काम ही नहीं करना चाहते थे। लोग सोचते थे कि क्यों यहाँ टैक्स से चक्कर में पड़ रहे हो, सीधा ऐसे ही माल बेचो, पैसा जमा करो। गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुँचता था। जब से 2017 के बाद से GST इम्प्लीमेंट हुआ है, लोगों को व्यापार करने में बड़ी सुविधा हो गई है। हर चीज़ लोग बिल से खरीदना चालू कर दिया, हर चीज़ लोग बिल से बेचना चालू कर दिया, क्योंकि GST में उन लोगों को सुविधाएं इस तरह से मिली कि टैक्स का इनपुट ले सकते थे। वो लोग किसी भी परचेज और सेल करके वो अपना GST जमा करके उस चीज़ को अपना अकाउंट में पैसा मंगा सकते थे। कैश डीलिंग में मैम एक्चुअली ये होता है, कई बार कैश लोगों का फंस जाता है या कैश ट्रांजेक्शन करने में गवर्नमेंट भी सख्त हो जाती है। तो इस तरह से कई पॉलिसीज गवर्नमेंट की आती है, उससे उनको सुधार मिला है, लोगों को व्यापार करने में आसानी हुई है। सराहनीय कार्य है, जिस तरह से भारत एक जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और उसमें कोविड के स्तर पर हमने टीकाकरण का एक नहीं कम से कम 6 चरण बखूबी निकाल लिए। तो लगातार अपने मंच से हम बातचीत कर रहे हैं। आकाश जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। कोविड काल की सर ने बात की, उनसे मैंने प्रश्न पूछा था, आपको कोविड काल की जो दिक्कतें आई, चाहे वो लोगों को सैलरी देने के मामले में हो, चाहे फिर अपनी चीज़ जो 2 महीने तक बिल्कुल ही लॉकडाउन के जरिए हम गुजरे, फिर से खड़ा करने की बात हो, क्या दिक्कतें थी और क्या आपको लगा कि सही काम हुआ? मैम, कोविड में तो सभी को दिक्कतें आई थी और काफ़ी मुश्किल से कोई भी व्यापार करना हो रहा था उस टाइम। बट क्या था कि उस समय हम लोग इसेंशियल फूड सर्विसेज में सप्लाई दे रहे थे, तो गवर्नमेंट का हम लोग को काफ़ी अच्छे रूप से सपोर्ट मिला। हम लोगों ने DMG द्वारा सब नोटिसेस और लेटर्स साइन करा के अपनी गाड़ियों पे लगा रखे थे। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने सपोर्ट किया था कि कोई भी उनकी गाड़ियां नहीं रोकेंगे, तो लोगों को लेने जाने में भी असुविधा नहीं होती थी। तो इस तरह से दिक्कतें हम लोगों ने किसी तरह से कवर अप कर लिया। कुछ दिक्कतें आती थी, जैसे माल भेज के पेमेंट मंगाना, और उस समय काफ़ी कुछ दिखते थी, लोगों को लेबर्स नहीं मिल रहे थे, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कोविड से इतना डर लग रहा था, लोगों को काम करने नहीं जा रहे थे, उनसे काम करवाना, उनको वैक्सीन के बारे में जानकारी देना, उनको हर तरह से सैनिटाइज करना, हर तरह से ये सुविधाओं ये प्रॉब्लम्स को फेस करके हम लोगों ने कोरोना काल में अपना काम करवाया। दिक्कतें आई थी मैम उस टाइम। कोविड के ये 2 साल बहुत ही कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत कष्टकारी थे, लेकिन जिस तरह से भारत ने इसमें साथ निभाया वो ज़रूर सराहनीय है। अनु जी, फूड पे हम बातचीत कर रहे थे, ये भी पूछा आपसे कि फूड पे का आइडिया कैसे आया आपको, लेकिन हाँ, फूड पे को एस्टैब्लिश करने में क्या तमाम तरीके की दिक्कतें जो थी वो आपको फेस करनी पड़ी फिजिकली, कहीं पर जा करके रजिस्टर कराना हो या खोलना हो या फिर उसे एक्सपैंड कैसे करना हो? एक बार चीज़ तो जाती है लेकिन उसे सस्टेन करने में बहुत मुश्किल होती है, वो कैसे किया आपने? देखिए, दिक्कतों की तो बात करते ही नहीं, जहां अगर हम निगेटिव होते हैं या ऐसा कुछ सोच रहे तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम कुछ सोचें और फिर कह दें नहीं हुआ तो ये तो वाला जो होता है ये समस्या पैदा करती है। तो हम दिक्कतों की बात नहीं करते, और अगर हम अपनी बात करें लीगल वर्क या किसी भी चीज की, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, हमने सोचा और हो गया। हमारे साथ रोहतास जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आप प्रजापति समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या आपकी दिनचर्या तब रहती थी और अब भी रहती है लोगों के बीच जाने की, उनकी परेशानियां समझने की, उनकी सेवा करने की? सेवा मेरे रग रग में है, जब से मैंने होशी माला तब से समाज की सेवा करता हूँ, सब समाज की करता हूँ, और जब तक जान में जान रहेगी जब तक सेवा करता रहूंगा। आपके बीच लोग क्या अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं? समस्याएं हमारी समाज की तो बहुत जबरदस्त होती हैं। जैसे हम लोगों ने शादियों के लिए लोग बहुत खर्चा करते हैं, हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, हम सामूहिक शादी कराने लगे, उसके अंदर दहेज का काम बिल्कुल खत्म है, संस्था
उसके लिए चंदा करती है। 83-83, 80-80 शादियाँ हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में हम शादियाँ कराते हैं। ये हमारा एक सबसे बड़ा संकल्प है समाज का, कि भी समाज का नुकसान ना हो, कि समाज पैसे की वजह से, धन की वजह से किसी की बेटी घर में ना बैठी रह जाए, समाज उन बच्चों की शादी सामूहिक शादी तरीके से शादी कराते हैं। और परेशानियाँ ज़्यादातर इस तरीके की बहुत आती हैं कि किसी की लड़की को कहीं शादी हुई है, उसकी साथ में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, यही दहेज की मामले हैं, लेकिन हम लोग बैठ करके उसे निपटाते हैं, घर में बैठ करके निपटा देते हैं। कोर्ट कचहरी तक की कोशिश ये करते हैं कोर्ट कचहरी ना चढ़े। इस तरीके के समाज पर कोई किसी तरीके की कोई अत्याचार, कोई ऐसी जबरदस्त हो जाए तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि भी इनकी आर्थिक मदद भी हो अगर उनके साथ में गलत हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने दहेज की बात की, दहेज का दानव आज भी समाज से मिटा नहीं है, समस्याएं आज भी बहुत आती हैं। हर 10 में से 8 शादी में दहेज समस्या होता ही है। तमाम नियम कानून बनाए गए लेकिन 1% बदलाव आया है, कितना आपको लगता है कि वो बदलाव महत्वपूर्ण है और हमें कितनी पुरजोर कोशिश करनी है? इतने नियम कानून बनाने के बाद भी जब वो चीज तक हम नहीं पहुंच पाए, इस लक्ष्य को नहीं पा पाए, तो अब कितनी कोशिश करनी होगी हमको कि दहेज का दंश हम मिटा सकें समाज से? जब तक हम लोगों में अपनी खुद की स्वयं की जागृति नहीं होगी, हम तब तक अंकुश नहीं लगा सकते। ये तो हम लोगों को सोचना होगा। जैसे और बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने समझौता कर लिया, बदलाव कर लिया, तो इस पर भी बदलाव हमें सबको मिलके ही करना होगा, क्योंकि हम लोग कह तो देते हैं वो पहले पंचायत तेरा बंद हो जाएगा तो यो काम मत करियो, अब वाली चीज तो है नहीं। अब स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है ये, कोई भी कुछ भी स्वेच्छा से अगर कोई अपनी बेटी को 20 लाख रुपए दे रहा, उसे क्या रोक दे? लेकिन अगर वो उसका दिखावा करके भी कम से कम इस पर रोक लगा ले कि दिखावा करके भी ना उस काम को करे, तो उस पर भी शायद इसका भी संदेश जाएगा। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल की तरफ मैं आपके पास आती हूँ। आज के दौर में जो नई जनरेशन है वो टच स्क्रीन, हर चीज़ ऑनलाइन खरीदना, ग्लोबल मार्केट में बहुत जल्दी पहुंच जाना, और जो हमसे पुरानी जनरेशन थी उसे अभी तक शायद स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता हो, तो इसके बीच में मैनेज किस तरह से करते हैं? आपको कहीं कोई दिक्कत आई इन चीज़ों में? यस मैम, दिक्कत आती है कई बार। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग व्हाट्सएप से ही डील कर लेते हैं, बट कुछ लोग व्हाट्सएप तो बेसिकली आजकल सभी लोग चला रहे हैं, बट जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट या ट्रांजेक्शन्स करना, तो अभी भी रूरल एरियाज में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या अभी जो भी पार्टीज हैं वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रही हैं, तो बैंक जाती हैं, बैंक में फॉर्म फिलअप करती हैं, शाम तक RTGS नहीं होता, नेक्स्ट डे होता है, कभी सर्वर डाउन, कभी बैंक क्लोज, तो इनसे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक गैप मैम ये फेस करने को मिलता है, जो आज की जनरेशन है वो विद इन अ सेकेंड गूगल पे UPI से ट्रांसफर करके ट्रांजेक्शन्स कर लेती है, बट अभी जो पुरानी जनरेशन है उनको ये करने में थोड़ा डर भी लगता है और एक प्रॉब्लम भी आती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ अपने सेशन के हम आखिर तक पहुंच गए हैं। आखिरी सवाल मेरा अनुज जी आपसे है, ये दिक्कत आपको कितनी फेस करनी पड़ी? क्योंकि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं दे वॉन्ट एवरीथिंग ऑन ऐप, कि अभी क्लिक किया आ गया मेरे घर पे प्रोडक्ट, वही ऑर्डर करते हैं। पुराने जमाने के लोग हैं वो अभी भी किराना की दुकान जाएंगे। हाँ, वो करवा लेते हैं नए जनरेशन से, और हमारे जो ऑर्डर्स करने वाले 99% यंगस्टर्स हैं, तो ये प्रॉब्लम, मैंने पहले कहा ना प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करते, इनोवेशन की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, प्रॉब्लम्स को साइड कर देते हैं। इस आना है आने दीजिए, इससे हम फाइट करके आगे बढ़ जाएंगे। भाई मैंने कहा ना रात हुआ है तो हम थोड़े रोज रात हो गया, सुबह होनी है, वेट कर लो थोड़ा सा। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन्स, कोई भी चीज़ें हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम दे रही है तो कुछ समय के लिए होता है और वो सॉल्व हो जाता है ऑटो। बिल्कुल। तो इस सेशन के यहाँ हम एंड पे पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी, रोहतास सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।